बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं, लेकिन इन्हीं में से एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है जिसका नाम है राम सेतु। ये फिल्म की हाल ही के अंदर अनाउंसमेंट की गई कि जो फिल्म है वो दिवाली यानी इसी साल 2022 में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म की बात करें तो अभिषेक द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म के अंदर हमें अक्षय कुमार के साथ साथ नुसरत भरूच, जैकलिन फर्नांडिस और सत्यदेव नज़र आने वाले हैं। अब इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर यह है कि जो इसके हाल ही के अंदर ग्लिम्प्स रिलीज़ किया गया था उसके बाद फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जो ग्लिम्प्स रिलीज़ किया गया था ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शानदार और एकदम हॉलीवुड की किसी ग्लिम्प्स जैसा लग रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, राम सेतु जो कहानी होने वाली है वो राम सेतु को ढूंढने की कहानी होने वाली है, उसके तथ्यों और उसकी सच्चाई को पूरा करने की कहानी होने वाली है। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार का जो किरदार था उसके जो लुक्स आए थे वो बेहद ही शानदार आए थे। ग्रे बियर्ड के अंदर अपने ग्रेस दिखाते हुए अक्षय कुमार बेहद अच्छे लगे थे। वहीं अब फैंस डिमांड कर रहे हैं कि आपने ग्लिम्प्स रिलीज़ किए तो इसका टीज़र भी रिलीज़ कीजिए, क्योंकि फिल्म के अंदर जो जिस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो टीज़र से ही क्लियर आउट होंगी और फैंस बार बार ये डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी और किसी भी तरीके की कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि आखिरकार टीज़र कब आएगा, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो टीज़र आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आपको जून जुलाई के महीने में ही इसका टीज़र देखने को मिलेगा। शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अभी वक्त है, आपको इसके और भी ग्लिम्प्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि शूटिंग पर पूरा जोर अक्षय कुमार ने दे रखा है। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप लोग एक्साइटेड हैं क्या राम सेतु के लिए। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।